इलेक्शन टाइम में हुआ लड़ाई झगड़ा पोलिंग बूथ के पास, नामपल्ली के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंचार्ज शेख रियास और कांग्रेस पार्टी के फेरोज खां के बीच हुआ लड़ाई झगड़ा। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात, हमारे नुमाइंदे अहमद की रिपोर्ट। इधर आप गौतम स्कूल के पास आओ, रेड हिल्स, रेड हिल्स गौतम स्कूल। ये जन्म जन्म बच्ची के पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख रियाज रेडीज डिवीज़न वार्ड 75 से बोल रहा हूँ। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का इलेक्शन एजेंट हूँ। मैं मेरे रूटीन चेकअप के लिए ऐसो रेडीज डिवीज़न में घूम रहा था, मुझे इत्तेफाक ऐसो गौतम स्कूल जाना हुआ। वहाँ जाके देखा तो कांग्रेस कैंडिडेट आयशा फरीन और उसका हस्बैंड मिलकर कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे। तो मैं अपने रूटीन चेकअप अंदर पोलिंग बूथ में गया, जाके मैं पोलिंग बूथ में ऐसो परसेंटेज देख लेके बाहर निकालूँ, तो उसका हस्बैंड ऐसा मैं पुलिस को बोल के मेरी गाड़ी चेक करने लगा। तो मैं जाके सर्कल साहब से पूछा, मतलब क्या हुआ साहब, बोलते उन्होंने पूछा आप कौन है, बोलते मैं इलेक्शन एजेंट हूँ, गाड़ी का पास ही जाता हूँ, मतलब गाड़ी का पास भी है। ये बात इस कर रहे होते मैं फिरोज खान कंटेस्टेड MP हैदराबाद कांग्रेस का लीडर, उन्हें आया आते से आते मैं गाली गलौज चालू करा, काउंटर पर पलट के मैं भी उसको गालियाँ दिया, नहीं बोल के नहीं। मगर इलेक्शन कमीशन का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि कोई भी MLA हो, सिटिंग MLA हो या सिटिंग MP हो, ये तो कंटेस्टेड एक ने तीन बार हारा हुआ कैंडिडेट है, उन्हें फील्ड पे आके मेरे को गाली गलौज करा, मेरे को मार दाता मुझे धमकी दिया। वहाँ से सर्कल साहब मेरे को समझा के गाड़ी में बिठा के भिजा दिए। मैं पुलिस स्टेशन को आया नामपली PS को, मैं आयशा फरीन उसके हस्बैंड के ऊपर, फिरोज खान एंड अदर्स के ऊपर मैं एक शिकायत दर्ज करा। थैंक यू।